दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने एक पावर सप्लाई लेकर के हाजिर हूँ मैं। ये पावर सप्लाई राजस्थान से आई है, शायद जितेंद्र नाम है, उन्होंने भेजा है ये पावर सप्लाई। और ये दो ये मदरबोर्ड और ये कीबोर्ड भेजा है। अभी ये तो हमने चेक नहीं किया, आपको एक पावर सप्लाई बना करके उन्होंने बोला है कि पावर सप्लाई के साथ में वीडियो बना के आप भेजे, कैसे क्या प्रॉब्लम था, क्या रिपेयर किया आपने उसमें। हम चलिए बनाते हैं पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई देखिए है S23612, 200 वाट की पावर सप्लाई है, 36 और 12 वोल्ट की है। यहाँ पे 36 12 लिखा है, लेकिन नीचे देखिए लिखा है आउटपुट 36.5 एम्पियर और 24 वोल्ट 1 एम्पियर। तभी इसमें क्या सप्लाई है ऐसे लिखा रहता है, स्टिकर्स कॉमन रहते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें सप्लाई कौन सी है। सबसे पहले खोल लेते हैं इसको। ये लीजिए सप्लाई हमने खोल लिया है इसके। देखिए मॉस्फेट वगैरह को सोल्डर करके उन्होंने देखा है, लेकिन ये शायद सप्लाई नहीं हुई है इसलिए इधर भेज दिया। देखिए मॉस्फेट सोल्डर किया हुआ है, यहाँ डायोड भी सोल्डर किए हुए हैं। और इस सप्लाई में देखिए कनेक्टर लगे हुए हैं, ये V1 के लिए है और ये V2 है, ग्राउंड और V2 दो सप्लाई के कनेक्टर लगे हैं। और फैन के लिए दो एक कनेक्टर अलग से भी छोटा दिया हुआ है। ये और ये कनेक्टर शायद एक ही पिन पे होंगे। ये दो टाइप के कनेक्टर दे दिए हैं, जो लगेगा वो सप्लाई यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दो डायोड यूज किए हुए हैं फैन के लिए, एक के ऊपर एक, मतलब दो यूज किए हैं कि करंट कम नहीं पड़ेगा इसका या डायोड उड़ेगा नहीं। डायोड कम ख़राब होता है, डबल लगा देने से डायोड फॉल्ट नहीं आता है ज़्यादा करके। देखते हैं डायोड ओके है या नहीं, डायोड शॉर्ट नहीं है, डायोड ओके है। और ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, दूसरा डायोड भी ओके है। यहाँ पे डिस टाइप फ्यूज है, देखिए इसका फ्यूज ओपन है। एक बार कैपेसिटर पर शॉर्टिंग चेक कर ले रहे हैं, शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है, मॉस्फेट भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ये रेजिस्टेंस भी ओके है, देखिए यहाँ पे सब कुछ ओके दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके मॉस्फेट को निकाल के बाहर रख देते हैं और ड्राइव चेक करेंगे सप्लाई देखकर। अगर ड्राइव बराबर आएगा तो हम मॉस्फेट को डाल देंगे। ज़्यादा करके इसको चेक करने से ऐसा लग रहा है इसकी आईसी ख़राब होनी चाहिए, ड्राइवर आईसी। देखेंगे इसमें ड्राइवर आईसी कौन सी लगी है। पावर सप्लाई थोड़ी सी अलग टाइप की है, ये मॉस्फेट होल को क्लियर कर लिया हमने। अब इसको सप्लाई देते हैं हम और देखते हैं। यहाँ न्यूट्रल और ये एन दिया है देखिए फेज के लिए, और ये अर्थ के लिए पी दिया है। तो हम दो ही कनेक्शन देते हैं, न्यूट्रल फेज खाली देते हैं। ये फ्यूज ओपन है तो फ्यूज भी डालना है हमें। फ्यूज ओपन है, एक बार डायोड को हम चेक करते हैं, ब्रिज डायोड को, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। नहीं है, ब्रिज डायोड भी शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले फ्यूज डाल देते हैं। ये देखिए ये फ्यूज है, फ्यूज बहुत से अलग अलग टाइप के आते हैं और हर एक सर्किट में फ्यूज एक रहता ही है। तो आप उसको चेक करते जाएं, कभी कभी क्या कंपोनेंट्स के लिए डाउट आ जाता है कि ये ओपन दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, या क्या डालें। तो सीरीज में सप्लाई आपकी है, लाइन क्वाइल के थ्रू डायोड पर जाना ही चाहिए।
उसके लिए देखिए फ्यूज रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ लोम्स का रहेगा ही रहेगा। फ्यूज अलग अलग टाइप के आते हैं, किसी किसी को पहचानने में प्रॉब्लम आता है, जो नया काम करते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ये सब। वैसे सब अभी उसमें हैंडल जो नहीं है ऐसे फिट कर रहे हो जितने हैंडल लगे साथ में तो हाँ लगा दो, जो इसमें लगे हैं वो लगा दो निकाल के, जितने लगे हैं उनका हाँ लगा दो, इसका देख लेंगे बाद में। हमने फ्यूज डाल दिया 5 एम्पियर का फ्यूज है, ग्लास फ्यूज। इसमें कुछ शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, अब हम इसको चालू करके देख रहे हैं, अगर शॉर्टिंग होगी तो बल्ब हमारा जलेगा। ये बल्ब जल के बंद हो गया है। अब देखिए हमने पीसीबी को उल्टा रखा हुआ है, तो हम 600 के रेंज में ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्राउंड पकड़ के और ये सेंटर पॉइंट ड्रेन पॉइंट पे सप्लाई देख रहे हैं। ये देखिए 248-246 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और ड्राई वोल्टेज भी देखते हैं, ड्राई वोल्टेज तो कुछ नहीं दिखा रहा है। जबकि इसके सेंटर टेप पे भी हम वोल्टेज देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना चाहिए, ये कम दिखा रहा है वोल्टेज। एक बार देखते हैं फिर से लगा के, देखिए अभी बराबर आ गया, ये 314 वोल्ट दिखा रहा है, इतना वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज कम आता है तो कंडेंसर ख़राब रहते हैं, इसलिए वोल्टेज कम आता है। अब हम ड्राई वोल्टेज को एक बार चेक करते हैं, देखिए ड्राई वोल्टेज यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जब आपका ड्राई वोल्टेज नहीं दिखाए कुछ भी, तो आपको चेक करना रहता है आईसी के वोल्टेज को। आईसी के पिन नंबर 3 पे आपका वोल्टेज आता है इसका, तो आप 3 नंबर पे और कोई चीज़ लगा हो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके 3 नंबर पिन पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, और ग्राउंड वही रहेगा जो हमने पकड़ा था अभी, रेजिस्टेंस का ग्राउंड पकड़ लिया हमने। और 3 नंबर सप्लाई देखते हैं, देखिए 12-13 वोल्ट इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन हमारा ड्राई वोल्टेज नहीं आ पा रहा है, तो ड्राई वोल्टेज के लिए हम चेक करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, कंडेंसर को हमने डिस्चार्ज कर दिया अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है और एक ट्रांजिस्टर भी यहाँ लगा हुआ है। आपको बहुत से सर्किट में हमने बताया है कि ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं ड्राइव के सीरीज में, कभी कभी ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो जाते हैं, तभी भी हमारा ड्राइव वोल्टेज नहीं आ पाता है। ये ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करते हैं, आईसी पे वोल्टेज आ रहा है लेकिन ड्राइव वोल्टेज नहीं आ रहा है, और ये ट्रांजिस्टर देखिए हमारा ख़राब दिखा रहा है, ये ट्रांजिस्टर देखिए शॉर्ट हो गया है, ये ट्रांजिस्टर तो हमें निकालना पड़ेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू ये 10K का रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड रहता है सोर्स के ऊपर से, तो इसको तो नहीं निकालेंगे, खाली हम ये ट्रांजिस्टर को निकाल देंगे और ये आईसी को हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर गया है तो ये आईसी जरूर गई होगी है। आईसी के आसपास के कंपोनेंट को भी देख लेते हैं एक बार, ये 22R0 लगा है जो ड्राइव के लिए सेंस के लिए जाता है, 22 ओम्स का है ये, देखिए यहाँ से है ये 7.5 ओम्स दिखा रहा है, जबकि ये 22 ओम्स दिखाना चाहिए। और ये डायोड भी चेक कर लेते हैं एक बार, सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर को निकाल देते हैं, इस तरह के सर्किट अगर आ जाते हैं तो नेट जो काम करने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ट्रांजिस्टर वगैरह जो लगा रहता है थोड़ा सा परेशानी आती है। तो देखिए ट्रांजिस्टर को हमने निकाल दिया है, और ट्रांजिस्टर को निकाल के चेक करते हैं हम, ये देखिए 22 ओम्स बराबर दिखाने लगा ट्रांजिस्टर निकालने के बाद में। एक बार फिर से ड्राइव चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर के कोई पॉइंट पर ड्राइव आ रहा होगा तो हम उसको सेंस पिन पे लाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर आईसी चेंज करेंगे।
ये देखिए ग्राउंड हमने पकड़ लिया इसका, और आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए इस पे ड्राई वोल्टेज आ रहा है, एक बार इसको चेक करेंगे हम। ये देखिए यहाँ से चेक कर रहे हैं हम इसको, ये देखिए ड्राई वोल्टेज आ गया है 1.30, 2.29 तक जा रहा है। तब इसको आगे सेंस से कनेक्ट करेंगे हम इसको, सबसे पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब हम एक छोटे से शोल्डर से ट्रांजिस्टर के ये दो पॉइंट को शॉर्ट कर रहे हैं। दोस्तों कुछ पावर सप्लाई आ गई थी रिपेयरिंग के लिए, इसलिए उठना पड़ा बीच में। देखते हैं अब इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, ड्राई वोल्टेज चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर के दोनों पॉइंट को हमने सोल्डर कर दिया है, ये देखिए ड्राई वोल्टेज बराबर आ गया है। जीरो से स्टार्ट हो गए और ये मीटर पॉट बराबर लग नहीं रहा है, हम ठीक से लगा के आपको दिखा रहे हैं मीटर पॉट। ये देखिए 2.45 तक जा रहा है, ये ठीक है। अब इसको हम डिस्चार्ज करके और मॉस्फेट डाल के देखेंगे। मॉस्फेट डालने के पहले एक बार मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं, ये मॉस्फेट कहीं शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए मॉस्फेट शॉर्ट नहीं दिखा रहा है कोई भी साइड से, इसको डाल के देख लेते हैं। यही मॉस्फेट डाल देते हैं, इसका मॉस्फेट भी ख़राब नहीं था, खाली ट्रांजिस्टर ही ख़राब था इसका शायद। अभी तो चालू करके हम देखेंगे, अगर सप्लाई ओके आ गई तो समझेंगे कि ओके है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऐसे कभी जाता नहीं, ज़्यादा करके मॉस्फेट और आईसी ख़राब होते तो ट्रांजिस्टर जाता है, लेकिन इसमें केवल ट्रांजिस्टर ही ख़राब था। इसको ऑन करके अब देखते हैं सप्लाई देके। इसकी एलईडी नहीं चल रही है सप्लाई देने के बाद में, हमने सप्लाई दिया इसको लेकिन एलईडी नहीं चल रही है। मीटर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं आ रही है सप्लाई इसकी,
और कंडेंसर चार्ज है रहता है नहीं रहता है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इसका कंडेंसर चार्ज रह रहा है, एक बार इसको डिस्चार्ज करते हैं। ये MOSFET डालने के बाद भी नहीं हुआ, हमने ये भी डाल दिया, इसका सेंसर शॉर्ट किया लेकिन नहीं हो रहा है, तो एक बार IC चेंज करके देख लेते हैं। ड्राइव आ रहा है लेकिन स्लो ड्राइव है, कुछ तो हो सकता है उसे प्रॉब्लम आता हो। एक बार इसकी IC हम रिप्लेस करके देख लेंगे। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जब ये ट्रांजिस्टर खराब होता है तो IC या MOSFET कुछ ना कुछ खराब रहता ही है, लेकिन इसमें हमने वोल्टेज आ रहा था वहाँ पे ड्राइव का, लेकिन स्लो ड्राइव था, जो एक्शन उसका हो रहा था काफ़ी स्लो हो रहा था, इसलिए हमने डाल के देख लिया उसको। लेकिन एक बार IC चेंज करके देखते हैं, इसमें भी IC 2269 ही लगी है। IC के नोज को देख के एक बार IC डाल लेते हैं। दोस्तों IC को रिप्लेस कर दिया हमने। ऑन करके देखते हैं, अभी भी सप्लाई इसकी नहीं बन रही है। एक बार हम सप्लाई इसकी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सप्लाई बराबर आ रही है। तो अभी भी ये सप्लाई हमारी हो नहीं पाई है। अभी इसकी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, फिर से इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम इसको कन्फर्म से आगे फिर से बना करके एक दो सेकेंड पार्ट में ये वीडियो को बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे। धन्यवाद।